अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने एक सबक पढ़ना है, उस सबक के नए अल्फाज समझने हैं। लेकिन उस सबक से पढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके घर में क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं जिससे आपको आराम मिलता है, खुशी मिलती है? क्या मौजूद है? पानी, बहुत सारा पानी। अगर पानी ना हो घर में तो कितनी मुश्किल हो जाती है ना, बंदा नहा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते। और हवा, हवा, पानी और पंखा, वेरी गुड। पंखा अगर लाइट चली जाती है तो कितना मसला होता है। और क्या है? पौधे, सब्जियां, फ्रूट, वेरी गुड। नहीं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं आप मुझे। और क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेरी गुड। हाँ, और क्या चीज़ें होती हैं? वेरी गुड। टॉयज भी तो होते हैं इतने अच्छे अच्छे और माँ बाप भी मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, एक बात समझिए, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास ना हों तो कितनी मुश्किल हो जाती है ना हमारी ज़िंदगी, कितना मुश्किल लगता है। अच्छा ये सोचें, ये सारी चीज़ें हमें ला के किसने दी हैं, किसने बनाई हैं, कौन ला के देता है? ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। एक ही बंदा है, एक ही हमारा खालिक है, अल्लाह ताला। वही तो है ना जो सब चीज़ें तख्लीक करता है। हमारी आसानी के लिए उन्होंने सब चीज़ें बनाई हैं। उनके मुतालिक, अल्लाह ताला के मुतालिक हम एक हम्द पढ़ेंगे जिसमें उनकी तारीफ बयान की गई है। ठीक है, हम्द को कहते हैं तारीफ बयान करना अल्लाह ताला की। इस हम्द को पढ़ने से पहले इसमें कुछ नए नए अल्फाज बताए गए हैं। उन नए अल्फाज को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो हम्द अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको वो नए अल्फाज बताऊँगी, वो नए लफ्ज़ बताऊँगी, उनके मायने बताऊंगी कि इनके मतलब क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से कि इसका मतलब क्या है। और फिर हम उसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। जब आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी ना, तो आप देखिएगा कि वो चैप्टर आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, आप कितने मज़े से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, गौर से मेरे लफ्ज़ सुनने हैं और समझने हैं। ठीक है, चले जी, पहला हमारा लफ्ज़ क्या है? पहला हमारा लफ्ज़ है रहमान। रहमान, रहमान, रहमान का मतलब क्या होता है? मेहरबानी करने वाला, रहम करने वाला। कौन करता है रहमान? कौन है रहमान? कौन रहम करता है हमारे ऊपर? वेरी गुड, अल्लाह ताला। इसका जुमला बताइए, सोचे ज़रा। ये अल्लाह ताला के नामों में से एक वस्फ है जिसका मतलब है मेहरबानी करना, जिसका मतलब है मेहरबानी करना। ठीक है, यहाँ बना सकते हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहमान और गफूर है। वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम जाएंगे दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? वो है बसाना। बसाना, बसाना, बसाना का मतलब क्या होता है? बसाना का मतलब होता है आबाद करना, आबाद करना। ठीक है ना, आप कोई चिड़िया लेके आते हैं, कोई चूज़े लेके आते हैं, उनका एक छोटा सा घर बनाते हैं, उनका घर बसाते हैं, उनको आबाद करते हैं, फिर वो उस डब्बे में, उस पिंजरे में रहते हैं, है ना। इसी तरह से ये दुनिया किसने बसाई है? किसने? अल्लाह ताला ने। वेरी गुड, अब इसका जुमला हम क्या बनाएंगे कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बसाई है। वेरी गुड, अब हम जाएंगे तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड क्या है हमारा? खोजना, खोजना, खोजना। खोजना का मतलब क्या होता है? खोजना का मतलब होता है तलाश करना। वेरी गुड, जब आपके भाई बहन आपकी कोई चीज़ छुपा देते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? उसकी खोज लगाते हैं कि वो कहाँ रखी है, उसे तलाश करते हैं। वेरी गुड, अब ज़रा जुमला बनाएं इसका। जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम उसको खोजते हैं। ठीक है, हम उसको खोजते हैं। वेरी गुड, अब हम करेंगे नया वर्ड दूसरा, वो क्या है? रहमत, रहमत, रहमत। रहमत का मतलब क्या होता है? मेहरबानी, मेहरबानी। वेरी गुड, बिल्कुल मेहरबानी, यानी कि हम किसी भी अपने गरीब बंदे पे, हम अपने किसी मेट पे, गरीबों पे
रहमत फरमाए, उनके साथ मेहरबानी से पेश आए, उसे कहते हैं मेहरबानी। अब मेहरबानी का जुमला क्या होगा सोचे ज़रा, मेहरबानी का मतलब होता है, अब इसका जुमला बनाते हैं, बहुत सी हमारी अल्लाह मियाँ ने रहमतें दी हैं हमें, बहुत सी मेहरबानियाँ की हैं, तो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतों में से एक रहमत है बारिश बरसाना। बारिश बरसाना, अब देखें जब बारिश नहीं होती कितनी गर्मी हो जाती है, और जब बारिश होती है तो कितना मज़ा आता है, हर चीज़ ग्रीन हो जाती है ना, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो ये रहमत है ना अल्लाह की। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास नया वर्ड क्या है, बरकत। बरकत, 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 वेरी गुड। बरकत का मतलब क्या होता है, नेमत की ज्यादती, यानी कि अल्लाह ताला आपको आपकी नीड से ज़्यादा, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए उससे ज़्यादा आपको दे दे, तो वो क्या होता है, आपको बरकत दे दी है, ठीक है ना। अब इसका जुमला बनाते हैं, जुमला आप बनाएंगे तो और समझ में आ जाएगा कि बरकत क्या होती है, कि यानी कि आपके दस्तरखान पे कि फ्रूट क्या है, फ्रूट के साथ साथ सब्जियां भी मौजूद हैं, ठीक है, एक ट्वाय के बजाय आपके पास दो ट्वाय मौजूद हैं, तो ये तो बरकत हुई ना, यानी कि नेमत की ज्यादती हुई, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड। इसके बाद इसका हम जुमला बनाते हैं कि अगर हमारी सोच अच्छी हो, अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो अल्लाह ताला उसके हर काम में बरकत देता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है कुर्बान। कुर्बान, कुर्बान, कुर्बान का मतलब क्या होता है, हम कुर्बानी करते हैं, याद है, कुर्बानी करते हैं, कब करते हैं, ईद उल अज़हा में किसकी कुर्बानी करते हैं, बकरे की करते हैं, वेरी गुड, और गाय की करते हैं, यानी कि जानिसार होना, जानिसार होना। इसका जुमला बनाएंगे, ईद पर हम जानवर कुर्बान करते हैं, ईद पर हम जानवर कुर्बान करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, इन वर्ड को समझना है, एक कॉपी पे इन नए अल्फाज को लिखना है, इनके मायने लिख के इनके जुमले बनाने, छोटे छोटे से नए नए अच्छे अच्छे जुमले बनाइएगा, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच।